Hello everyone, welcome to Tech Study Time. My name is Priyanka Verma. I'm going to start with the current affairs of 13th June 2019. सबसे पहले चलते हैं प्रीवियस ईयर की पास्ट रिवीजन पे. ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस. अगर आप इन क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए. और ये करंट अफेयर्स की सीरीज आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है. और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कीजिए. इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद व्हिच कंट्री फॉर रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया. आंसर इज फ्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द टारगेट टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल बाय डैश. Answer is 2024. Next question. Which country has invited as guest of honor by Mexico for its Guadalajara International Book Fair? Answer is India. Next question. Which company has overtaken Google to be ranked as world's most valuable brand according to the 2019 100 Top Brands report? Answer is Amazon. Next question. Who has been appointed as the head of the committee formed to review the existing market structure of LPG marketing in India? Answer is Kirat Parikh. Next question. Kasem Jomart Tokayev has been appointed as the president of which country? Answer is Kazakhstan. Next question. Which city has been named as Nur Sultan? Answer is Astana. Next question. RBI has waived the charges it leaves on banks to initiate RTGS and NEFT transactions. It will come into effect from Dash. Answer is 1st July. Next question. Which country has recently adopted the National Strategy for Well-being 2031? Answer is United Arab Emirates. Next question. Who has been appointed as the new managing director of Gift City? Answer is Tapan Ray. Next question. Name the winner of 2019 Pacific International Snooker Championship. Answer is Saurabh Kothari. Next question. Who has been appointed as the Interim Central Vigilance Commissioner? Answer is Sharad Kumar. Next question. Under whose chairmanship, RBI has formed a panel to review the ATM interchange fee structure? Answer is Vijay Kannan. Next question. Government of which state has launched pink Sarthi vehicles to attend the grievances of women passengers in city buses? Answer is Karnataka. तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पे. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड? आंसर इज 12th जून. हर साल 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू ब्रिंग अटेंशन एंड जॉइंट एफर्ट्स टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? आंसर इज नृपेंद्र मिश्रा. नृपेंद्र मिश्रा को अपॉइंट किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसरो हैज प्लान्ड टू लॉन्च द चंद्रयान 2 मिशन टू मून ऑन बोर्ड विच लॉन्च व्हीकल? आंसर इज GSLV MK3. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करेगी इंडिया का सेकेंड मिशन टू मून जिसका नाम है चंद्रयान 2 और ये करेगी 15th जुलाई. और इसके लिए जो व्हीकल यूज किया जाएगा उसका नाम है GSLV MK3 और ये व्हीकल लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश. और लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 2 अगले 16 दिनों तक पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा. और अब बात आती है इसरो की. इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसरो के चेयरपर्सन है डॉक्टर के सिवान. नेक्स्ट क्वेश्चन. SBI हैज लॉन्च्ड द डिजिटल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी शो डेस्टिनेशन द होम शॉपी इन विच सिटी? आंसर इज हैदराबाद. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करेगा डिजिटल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी शो और ये लॉन्च करेगा हैदराबाद में और इसका नाम है डेस्टिनेशन द होम शॉपी और इस होम शॉपिंग में बैंक्स लीडिंग डेवलपर से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को डिजिटल डिस्प्ले करेंगे. अब बात आती है SBI की. SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में और SBI के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द न्यू गाइडलाइंस इशूड बाय RBI व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट दैट कैन बी डिपॉजिट इन अ मंथ इन द BSBDA अकाउंट? आंसर इज नो लिमिट. RBI के न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में
वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स की कोई लिमिट नहीं होगी और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अब बात आती है आरबीआई की। आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है शक्तिकांता दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019? आंसर इज 141। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में इंडिया का रैंक है 141 और ये है 163 कंट्रीज में से। और आइसलैंड है मोस्ट पीसफुल सिटी और अफगानिस्तान है लीस्ट पीसफुल नेशन और इंडिया का रैंक है 141। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 16th एशिया मीडिया समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? आंसर इज कंबोडिया। 16th एडिशन का एशिया मीडिया समिट होगा कंबोडिया में और ये होगा 12 जून से लेके 14 जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल विच वॉज रिसेंटली टेस्टेड बाई इंडिया हैज बीन डेवलप्ड बाई डैश। आंसर इज DRDO। इंडिया के द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की सक्सेसफुली टेस्टिंग की गई है और ये डेवलप किया था DRDO ने। और अब बात आती है DRDO की। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और DRDO के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द राज्यसभा? आंसर इज थवार चंद गहलोत। यूनियन मिनिस्टर थवार चंद गहलोत को अपॉइंट किया गया है राज्यसभा का लीडर, तो राज्यसभा के लीडर बने हैं थवार चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड फॉर द 2019 डैनी के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड बाय यूनिसेफ? आंसर इज प्रियंका चोपड़ा। इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को दिया जाएगा यूनिसेफ के द्वारा डैनी के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और ये दिया जाएगा 3 दिसंबर को न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टॉप्ड द फोर्ब्स 2019 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 हाईएस्ट पेड एथलेटिक्स? आंसर इज लियोनेल मेसी। फोर्ब्स 2019 के लिस्ट में वर्ल्ड्स 100 हाईएस्ट पेड एथलेटिक्स में टॉप किया है लियोनेल मेसी ने और लियोनेल मेसी है अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर और फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है सेकंड प्लेस और अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी की टोटल अर्निंग है $127 million और फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अर्निंग है $109 million। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द न्यू ब्रांड नेम ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन? आंसर इज वर्ल्ड एथलेटिक्स। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन को नया ब्रांड नेम दिया जाएगा वर्ल्ड एथलेटिक्स का और ये डिसीजन लिया गया है ड्यूरिंग IAAF काउंसिल मीटिंग के दौरान जो कि हुई थी मोनाको में और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 ये होगी दोहा कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग 2019? आंसर इज 43। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग्स 2019 में इंडिया है 43rd रैंक पे और फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर और सेकंड नंबर पे है हांगकांग और थर्ड नंबर पे है USA। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग्स 2019 में इंडिया का रैंक है 43rd। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। Don't forget to subscribe. Please press the bell icon.